नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। अक्सर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को चेतावनी दी जाती है वाहन की रफ्तार तय सीमा तक ही रखें। बावजूद इसके लोग सतर्कता नहीं बरतते हैं और आए दिन सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। ताजा मामला बस्ती से सामने आ रहा है, जहां के राष्ट्रीय राजमार्ग पर छावनी थाने के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बस की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितना भीषण होगा, हादसा कितना भयावह होगा। वहीं राहगीरों ने बताया कि अयोध्या डिपो की सरकारी बस तेज रफ्तार में थी, तभी बस ने आगे चल रहे डंपर पर जोरदार टक्कर मार दी। बस की भिड़ंत के बाद डंपर के पर खच्चे उड़ गए और बस के अगले हिस्से में भी काफी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी को CHC पहुंचाया। इस दौरान 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि सड़क हादसा सरकारी बस के चालक की लापरवाही के चलते हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ड्राइवर ने गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश की। पुलिस मौके पर मौजूद है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।